हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल केवी एनबीएस एंड सीबीएसई। इस वीडियो में हम वर्कशीट करेंगे चैप्टर थर्ड की मैथ मैजिक की सेकंड क्लास की, वो है हाउ मच कैन यू कैरी, आप कितना कैरी कर सकते हैं। चलिए, ये है वेट। वेट मीन सभी को पता है वजन होता है। क्वेश्चन वन, इन ईच पेयर सर्कल द हैवियर ऑब्जेक्ट। तो हैवियर ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसका वजन या वेट ज़्यादा होता है उसको हैवियर बोलते हैं, और जो जिसका वेट कम होता है उसको लाइटर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें सर्कल करना है किसको? हैवियर ऑब्जेक्ट को। तो हैवियर ये के एलिफेंट है, और ये क्या है? ये रैट है। तो हैवियर हुआ हमारा ये, तो इसको हमें सर्कल करना है। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है, ये एक बैग दिया हुआ है, ये के पेन है। तो हैवियर क्या होगा? जिसका वजन, जिसका वेट ज़्यादा होगा वो हैवियर होगा। तो इसका वजन या वेट ज़्यादा होगा तो ये हो जाएगा हैवियर। नेक्स्ट है, ये जग है और ये मग है, तो दोनों में हैवियर क्या होगा? जग होगा, जग का वेट ज़्यादा होता है। ये के बनाना है और ये वाटरमेलन है, तो किसका वेट ज़्यादा होगा? वाटरमेलन का। इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है, ये बॉटल है और ये बल्ब है, तो वेट सभी को पता है। तो ये बॉटल है, बॉटल हैवी होती है, इसका वेट ज़्यादा होता है, इसलिए तो इसके सर्कल कर दिया। ये साइकिल है, ये है कार, तो कार का वेट ज़्यादा होता है इसलिए ये हैवी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द ऑब्जेक्ट्स ड्रॉन बिलो, अरेंज देम इन ऑर्डर फ्रॉम द लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट दिए, पेन है, ये पंख है, ये क्या है? ये बॉक्स जैसा कुछ लग रहा है, और ये बैग है। तो इनको क्या करना है? लाइटेस्ट है, सबसे हल्का जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला वन, ये यहाँ पर आ जाएगा टू, ये दूसरा इसका वेट ज़्यादा होगा तो टू यहाँ पर हो जाएगा, फिर तीसरा ये यहाँ पर हो जाएगा, और ये चौथा बैग यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग लाइटर और हैवियर। यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर ये ब्लैंक स्पेस दिया गया है हर स्टेटमेंट में, इसमें आपको लाइटर फिल करना है या हैवियर फिल करना है। चलिए पढ़ के देखते हैं क्या है लाइटर और क्या है हैवियर। अ फुटबॉल इज डैश देन अ पेन। अच्छा, एक पेन है और एक फुटबॉल है, तो फुटबॉल क्या है, लाइटर है या हैवियर है? तो ये हो जाएगा हमारा हैवियर, तो यहाँ पर हो जाएगा हैवियर, हैवियर। नेक्स्ट है, अ पिलो इज डैश देन अ मैट्रेस। मैट्रेस और पिलो, पिलो तो पता है सबको, तकिया, मैट्रेस गद्दा, तो गद्दा हमेशा क्या होगा? हैवी होता है। तो यहाँ पर अ पिलो इज लाइटर, एल आई जी एच टी ई आर, लाइटर। नेक्स्ट है, एन ऑरेंज इज डैश देन अ वाटरमेलन। यहाँ पर ऑरेंज है और ये वाटरमेलन है, तो ऑरेंज पूछा गया है कैसा होता है वाटरमेलन से, वाटरमेलन से लाइटर होता है, एल आई जी एस टी ई आर, लाइटर। नेक्स्ट है, अ क्रिकेट बॉल इज डैश देन अ मार्बल। मार्बल जो कंचे होते हैं, और ये क्रिकेट बैट, तो क्रिकेट बैट कैसा होता है? हैवियर होता है, हैवियर, हैवियर देन अ मार्बल। अ कोट इज डैश देन अ शर्ट। तो कोट कैसा होता है? कोट शर्ट से कैसा होता है ये पूछा गया है, तो कोट होता है हैवियर, हैवियर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। फिर आगे चलते हैं, इसमें है फोर्थ क्वेश्चन, ड्रॉ टू पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वन हैवियर देन द अदर। तो यहाँ पर ये है हैवियर और ये लाइटर, एक पेयर आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा हो जो हैवियर हो और यहाँ पर लाइटर हो, यहाँ पर हैवियर हो, यहाँ पर लाइटर हो। अभी इससे पहले हमने कई सारी पिक्चर्स देखी थी, उनमें से भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से देख के ड्रॉ कर सकते हैं ये, या इसके हम यहाँ से भी देख के इनको भी ड्रॉ कर सकते हैं ये। तो आपको बस ड्रॉ करना है, पिक्चर बनानी है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन फिफ्थ, सर्कल द हैवियर ऑब्जेक्ट। हैवियर ऑब्जेक्ट अभी इससे पहले हमने सर्कल किया था, फिर से इसमें करना है, क्रॉस आउट द लाइटर ऑब्जेक्ट, लेकिन जो हल्का ऑब्जेक्ट है उसको क्रॉस भी करना है। तो ये क्या है? ये वाटरमेलन है और ये एप्पल है। ये वाटरमेलन हैवियर हो गया, ये इसको हमने सर्कल कर दिया, और इसको क्रॉस करना है, ये लाइटर हो गया।
ये हैवियर और ये सॉरी यहाँ पर होगा हैवियर और ये है लाइटर, तो इसको कट करना है, क्रॉस करना है। अब यहाँ पर जो भी चीज़ नीचे आएगी वो क्या होगी, हमारी हैवियर होगी, तो उसे हमें क्या करना है, उसको हमें सर्कल करना है। जो भी चीज़ नीचे होती है वो क्या होती है, हमारी हैवियर होती है। सीसॉ पे आप लोग झूले हो, ठीक वैसे ही है, जो बच्चा ऊपर होता है, जो हल्का बच्चा होगा वो हमेशा ऊपर आएगा और नीचे नहीं आ पाएगा। तो ये रहा, ये क्या है, हैवियर और ये लाइटर, ये है हैवियर और ये है लाइटर। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन 6, फिर तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। लुक एट द वेइंग स्केल एंड फिल इन द वर्ड्स मोर लेस और इक्वल इन द बॉक्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक एग्जाम्पल आपके लिए दिया गया है। तो ये क्या है, वेइंग मशीन है, वेट करते हैं इससे, तराजू इसको बोलते हैं। तो ये तराजू है, ये तराजू दिख रहा है ये, तो आपको बताना है कि जो चीज़ें हैं लेस हैं मोर हैं या इक्वल हैं, ये बताना है। लेस इक्वल का मतलब काउंटिंग में नहीं, वन टू थ्री फोर, ये फोर है, ये टू है, ऐसा नहीं बताना है। इसमें बताना है तराजू में, मतलब वेइंग स्केल में, कि दोनों का वेट बराबर है या नहीं है, ऐसे बताना है। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों इक्वल दिखाई दे रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये हो गए, ये हमारे पहले से दिया है इक्वल, तो यहाँ पर इक्वल लिख दिया। फिश वेट वेज टू इक्वल टू एप्पल्स। नेक्स्ट है द बैग वेज डैश देन रबर। तो बैग का जो बैग वेट है वो कैसा है, हैवियर है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा मोर, यहाँ पर कर देंगे मोर। यहाँ पर हमें क्या बताना, मोर बताना है, लेस बताना है और इक्वल जो भी है वो बताना है। तो यहाँ पर ये मोर हो जाएगा, तो ये क्योंकि ये जो बैग है वो नीचे आ रहा है इसलिए ये मोर हो गया। यहाँ पर ये क्या है, दोनों बराबर आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। द पेंस वे टू द डैश टू द पेंट ब्रश, तो क्या है, इक्वल। नेक्स्ट है बैट एंड बॉल, तो बैट द बॉल वेज लेस, बॉल का पूछा है, तो बॉल ऊपर है ना, ये नीचे है, तो बॉल क्या हो गई, लेस, लेस हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन करते हैं। से हाउ मच ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट वे राइट इन द बॉक्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो आपको बताना है किस ऑब्जेक्ट का कितना वजन है। तो यहाँ पर क्या है, ये कैरेट है और ये क्या है, ये ब्लॉक्स हैं। एक कैरेट का जो वेट है वो कितना है, टू ब्लॉक्स है। तो यहाँ पर वन एंड टू, टू ब्लॉक्स है, तो यहाँ पर कर दिया टू, ये पहले से किया हुआ है, एक एग्जाम्पल है। दूसरा है द मैंगोज वे, मैंगो वेज थ्री ब्लॉक्स, द ब्रिंजल वेज थ्री ब्लॉक्स, यहाँ पर थ्री है, वन टू थ्री, और ये वाटरमेलन, वाटरमेलन नहीं सॉरी पम्पकिन है, पम्पकिन वेज वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव ब्लॉक्स। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द एबव पिक्चर्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस दिया गया है इनको फिल करना है, जो ऊपर पिक्चर्स दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग। चलिए, बोथ द डैश एंड डैश वे ब्लॉक्स। तो यहाँ पर देखिए कौन सी दो चीज़ें ऐसी हैं जिनकी, जिसका वेट क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो आप देख लेते हैं, एक ये वाला है थ्री ब्लॉक्स और एक ये वाला है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक मैंगो है और दूसरा क्या है हमारा, ब्रिंजल। तो यहाँ पर बोथ द ब्रिंजल, एक में हो जाएगा ब्रिंजल, ब्रिंजल और दूसरा हो जाएगा मैंगो, मैंगो वे थ्री ब्लॉक्स, हो गया, सिंपल था। नेक्स्ट है अ मैंगो एंड वन कैरेट टुगेदर वे। अब मैंगो, एक मैंगो और एक कैरेट का दोनों का मिलाकर वेट क्या होगा, ये पूछा गया है। एक मैंगो का क्या है, एक मैंगो का है थ्री और एक कैरेट का है टू, थ्री और टू कितना हो गया,
थ्री और टू हो गया फाइव, फाइव ब्लॉक्स हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट, वन ब्रिंजल एंड वन पंपकिन टुगेदर वे। अब पंपकिन यानी कि कद्दू का और बैंगन का दोनों का वजन मिलाकर कितना है ये यहां पर लिखना है। तो यहां पर देख लेते हैं, ब्रिंजल का यानी कि बैंगन का तीन ब्लॉक्स है और ये जो पंपकिन है इसका फाइव ब्लॉक्स है। तो फाइव थ्री प्लस फाइव कितना हो गया एट, तो यहाँ पर हो जाएगा एट ब्लॉक्स। आंसर आ जाएगा हमारा एट ब्लॉक्स है किसका, ब्रिंजल का और पंपकिन का टुगेदर वेट है वो कितना है एट ब्लॉक्स है। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल सा था, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ड्रॉ द करेक्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स टू मेक बोथ साइड इक्वल। यहाँ पर है कैरेट और यह है ब्रिंजल, तो यहाँ पर कितने ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे अब ऊपर से ही हमको इसको चेक करना है। तो ब्रिंजल के हमारे पास कितने ब्लॉक्स थे देख लेते हैं, ब्रिंजल के हमारे पास थे तीन ब्लॉक और कैरेट के थे हमारे पास टू ब्लॉक्स। तो यहाँ पर हमें टोटल कितने ब्लॉक्स बनाने होंगे, टू और थ्री फाइव ब्लॉक्स बनाने होंगे। तो फाइव कैसे बनेंगे, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, फाइव ब्लॉक्स बन गए। अब बात करते हैं पंपकिन और ये मैंगो की। अब देख लेते हैं पंपकिन में कितने थे ब्लॉक्स, पंपकिन में फाइव ब्लॉक्स थे ये वाले और मैंगो में थ्री ब्लॉक्स, फाइव और थ्री कितना हो गया एट। तो हमें यहाँ पर एट ब्लॉक्स बनाने होंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट ब्लॉक्स हो गए। तो ये हमारी जो वर्कबुक का दूसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर था इसको हमने कंप्लीट कर लिया। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।